Hello students, myself Bindu Sharma. In last video, we have discussed about the type of the rate of reaction. First is the average rate of reaction and second is the instantaneous rate of reaction. Today we will discuss about the rate expression and factors which affect the rate of reaction and rate law expression. So first is the rate expression. My topic is expression of rate of reaction. तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो एक्सप्रेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट. तो इनको हम जो डिस्कस करेंगे वो ऑन बाय टेकिंग द एग्जांपल. तो फर्स्ट सपोज एग्जांपल इज Hg प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन HgCl2. इन दिस रिएक्शन द कोफिशियंट यानी कि मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर सेम. तो इस रिएक्शन के अंदर जो कोफिशियंट है वो 1:1 कोफिशियंट है. तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द अपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन प्लस इसका कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डेल्टा एच जी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल्टा टी. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेम टाइप ऑफ द कोफिशियंट. सेकेंड एग्जाम्पल वी टेक, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट हैं वो क्या है, 1:1 मोल हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है आपके, 2 मोल हैं. इसको मतलब क्या है कि वन मोल रिएक्टेंट मीन्स H2 डिसअपियर एंड 1 मोल ऑफ I2 डिसअपियर एंड फॉर्मेशन ऑफ द 2 मोल ऑफ द प्रोडक्ट 2HI. यानी कि अपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 मोल. तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ कोफिशियंट दे रखे होते हैं उनको उस रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उससे हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 मोल ऑफ द रिएक्टेंट है. तो दोनों साइड को हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ कोफिशियंट है उसी से उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा, यानी कि पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ द H2 अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ द I2 अपॉन डेल्टा टी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, प्लस 2HI डेल्टा HI की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी. इधर देखो जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोल है, यानी कि तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ कोफिशियंट दे रखे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उन्हीं नंबर ऑफ कोफिशियंट से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड बाई 2.
आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स अगर रिएक्टेंट की नेचर अगर हाईली रिएक्टिव होगी तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो वेरी फास्ट होगी, और अगर रिएक्टेंट की नेचर लेस रिएक्टिव होगी तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर एग्जांपल है आपका, फॉर एग्जांपल Na प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन NaOH प्लस H2 गैस, तो देयर इज द 2H2O। नेक्स्ट एग्जांपल Ca प्लस 2H2O आफ्टर रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो आपको दोनों रिएक्शन के अंदर दिख रहा होगा कि आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मीन्स जो आपका मेटल है सोडियम मेटल और कैल्शियम, तो सोडियम जो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में तो क्या बना रहा है, NaOH यानी कि बेस बना रहा है, और आपका जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडा लाइम बना रहा है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों रिएक्शन के अंदर आपको देख रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये है आपकी फास्ट रिएक्शन, और सेकंड वाली जो रिएक्शन है ये आपकी स्लो रिएक्शन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर। आपका जो सोडियम मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी जब हम रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं तो वेरी फास्ट रिएक्शन हो रही है, और जो कैल्शियम है वो सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए जब हम कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं तो वेरी स्लो रिएक्शन हो रही है। तो ये जो एग्जांपल हैं ये इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो नेचर है रिएक्टेंट की, जो नेचर है वो किस रोग क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि आपको पता है कि स्टेट जो होती हैं वो तीन स्टेट होती हैं, स्टेट तो वैसे फाइव होती हैं लेकिन हम जनरली जो पढ़ते हैं वो थ्री स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो इसके अंदर क्या होती है कि अगर आपका सेम एलिमेंट अगर गैसेस स्टेट में होगा तो क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो वेरी फास्ट होगी, अगर वही एलिमेंट आपका सॉलिड स्टेट में होगा तो जो रिएक्शन होगी वो वेरी स्लो होगी। आपको पता है कि जो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल का जो कोलिजन है वो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपका वही एलिमेंट या वही सब्सटेंस आपका लिक्विड गैस फेज में होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि उनमें जो कोलिजन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल Na प्लस आयोडीन आफ्टर रिएक्शन फॉर्म NaI। सेकेंड सेम एग्जाम्पल Na प्लस I आफ्टर रिएक्शन NaI। तो इसमें देख रहे हो कि अगर ये आपका सोडियम एलिमेंट अगर गैसेस स्टेट में होगा तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, वेरी फास्ट होगी, और अगर यही सोडियम एटम अगर आपका सॉलिड स्टेट में होगा तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो स्लो रिएक्शन होगी। तो जो रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो भी क्या करती है कि रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करती है। इसके बाद
नेक्स्ट फैक्टर है को अफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन की रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट सेम रिएक्टेंट के साथ में जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट है, अगर दूसरी रिएक्शन के अंदर दूसरा एलिमेंट सेम रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो सपोज उसकी जो रेट है वो स्लो है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तो फॉर एग्जांपल Na प्लस 2H2O आफ्टर रिएक्शन NaOH प्लस H2 गैस, एंड सेकेंड एग्जांपल Ca प्लस 2H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो दोनों रिएक्शन के अंदर क्या है कि इस वाली रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट है वो सोडियम एलिमेंट है और इसके रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट है वो आपका कैल्शियम एलिमेंट है, लेकिन दोनों जो एलिमेंट हैं वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, दोनों रिएक्शनों के अंदर आपको दिख रहा है कि दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसमें हम आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी रिएक्शन आपकी फास्ट होगी कौन सी स्लो होगी, तो ये डिपेंड करेगा आपके रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर। देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है आपका सोडियम एलिमेंट, और आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सोडियम एलिमेंट होता है वो टॉप मोस्ट आता है, तो इसलिए जो सोडियम एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन द कैल्शियम एलिमेंट। तो इस एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो इसके कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। इसके बाद जो कैल्शियम है, कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से क्या है, कम है, तो इसलिए जो रिएक्शन होगी कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता होगी कि जो स्टेट होती है मैटर की, वैसे तो 5 होती हैं लेकिन हम जो जनरली पढ़ते हैं वो 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आपको पता है कि जो सॉलिड जो स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो कोलिजन होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेरिजन थोड़े दूर दूर होते हैं, उनमें कोलिजन होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना गैस के अंदर होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस के अंदर जो कोलिजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो कैसे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगी, तो इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2Na प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2Na I, सेकेंड एग्जाम्पल 2Na प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2Na I। आपको सपोज ये वाली जो रिएक्शन हो रही है इसमें जो आयोडीन है वो गैसेस स्टेट में है और इसके अंदर जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में है, तो अभी हमने बताया था कि जो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट आपका गैसेस स्टेट में होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, वेरी फास्ट होगी, और जिस रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा वो रिएक्शन कैसी होगी, आपकी स्लो रिएक्शन होगी। तो देखो रिएक्शन तो दोनों ही सेम दिख रही हैं, देखने को तो दोनों सेम दिख रही हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो आयोडीन है उसकी जो स्टेट है वो अलग अलग है। इस वाले रिएक्शन के अंदर जो आयोडीन की स्टेट है वो गैसेस स्टेट में है और इसके अंदर जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में है। तो जो रिएक्शन यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट अगर गैसेस स्टेट में होगा तो वो कैसी होगी, फास्ट होगी, और जिस रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो गैसेस स्टेट में है इसलिए रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, यहाँ पे जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में है इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगी कैसी होगी, स्लो होगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि दोनों रिएक्शन देखने में सेम लग रही है लेकिन दोनों रिएक्शन के अंदर क्या है,
रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो अलग अलग है, इसीलिए हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। इसके बाद हम थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनिशियली जो आपको पता है कि इनिशियली जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा ज़्यादा बनता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती हुई चली जाती है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कैसे बताएंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज लार्ज देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। तो ये फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब भी कोई रिएक्शन हम कराते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। और जब रिएक्शन के अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि जो रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होती होगी, कम होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मीन्स बाई इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एंड बाई डिक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना विदाउट सेल्फ कंज्यूमिंग, यानी कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन उनका वो खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो बाय इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। इसमें क्या होगा, कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट सेल्फ कंज्यूमिंग, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन की रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ द लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जितने भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में होगी। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो जो रेडिकल अगर कोई भी रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस ऐसी हो रही हैं जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं, अगर लाइट होगी उन रिएक्शन के लिए, उन रिएक्शनों में, तो क्या होती है जो रेडिकल होंगे वो जल्दी जल्दी बनेंगे, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है वो जल्दी जल्दी होगी। और अगर उन रिएक्शन के लिए लाइट अवेलेबल नहीं होती है तो वो क्या होती है, रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो फोटो केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फॉर एग्जांपल
फॉर्मेशन ऑफ द HCl यानी कि H2 फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ HCl यानी कि H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2HCl। तो ये जो रिएक्शन होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर इस रिएक्शन में लाइट होगी तो ये रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ये इस रिएक्शन के लिए लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो ये रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो सिर्फ इसका एग्जांपल लेते हैं हम आयरन नेल और आयरन पाउडर। तो आयरन नेल जो है उसका जो एरिया है वो क्या है, कम है। तो एरिया कम होगा तो इसलिए क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर हम आयरन पाउडर लेते हैं तो आयरन पाउडर का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो, और आयरन पाउडर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम 2Fe प्लस 6HCl आफ्टर रिएक्शन 2FeCl3 प्लस 3H2 गैस। तो हमने आज आपको डिस्कस किया है अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने आज आपको 7 फैक्टर्स के बारे में बताया है। फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड सरफेस एरिया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिवन बाय द गोल्डबर्ग एंड वागे इन 1864। तो ये जो रेट लॉ है ये इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम जो एक्सप्रेशन देंगे वो किसके एक्सप्रेशन देंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन देंगे। तो दिस लॉ गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे इन 1864। दिस लॉ डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी, द
the rate of reaction which is depend upon the concentration of the reaction is called the rate law expression. तो definition क्या होगी? The rate of reaction which express in terms of molar concentration of reactant is called rate law expression. Rate law expression. The reaction is A plus small b capital P after reaction formation of product. So this is a reactant. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो रिएक्शन की जो रेट है उसको हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी. इसके बाद कोफिशेंट गोज इन रेज टू द पावर ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी. तो ए का जो कोफिशेंट है वो क्या है ए, और बी का जो कोफिशेंट है वो क्या है बी. तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो बता रहा है आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है. इसके बाद और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशियंट तो और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं और करके रेट लॉ एक्सप्रेशन मे बी डिफाइंड एज द, इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेस करना है. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टू द raise to power of given coefficient. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है थ्योरी के उस रेस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब देखो यहाँ पे जो इस रिएक्शन में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम रेट कांस्टेंट. यानी इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ
रिएक्शन इज इक्वल के ए की ए कंसंट्रेशन की पावर ए एंड बी कंसंट्रेशन की पावर बी. हियर के इज द रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट. तो आपको समझ आ गया होगा. इसके बाद रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट. तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है, उसको अगर हम यूनिटी लिख देते हैं, मीन्स इक्वल वन लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं. यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ जाता है, आपका के इक्वल आ जाता है. तो रेट कॉन्स्टेंट यानी कि के, तो रेट कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट. तो रेट इज इक्वल के ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी कंसंट्रेशन बी, ए और बी. अगर इन मोलर इस रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट की अगर हम मोलर कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, यूनिटी वन लिखते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ए इक्वल वन और कंसंट्रेशन बी इक्वल वन. तो आपका रेट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका के. तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आ गया, आपका के आ गया है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर का ये इसी का ही है, लॉ ऑफ मास एक्शन. तो यहाँ पे जो हमने रेट लॉ डिफाइन किया है, जो रेट लॉ होता है वो क्या होता है, आपका एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया जाता है. यानी कि जो रेट लॉ होता है वो डिपेंड कर सकता है कोफिशियंट के ऊपर और ना नहीं भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कोई रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन है आपकी CH3 plus HCl. After reaction है आपका CCl4 plus ये reaction होगी आपके. यहाँ पे हम लेते हैं CH3Cl और यहाँ पे लेते हैं हम Cl2 CHCl3 एंड प्रोडक्ट बनेगा आपका CCl4 प्लस HCl. तो इस रिएक्शन का हम क्या लिखते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट के जो कोफिशियंट है वो क्या दे रखा है, इसका भी वन है और इसका भी क्या है, वन है. तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इनके के कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ CL2, इधर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं 1/2.
तो यहाँ पे जो कोफिशियंट की जो पावर में जा रहा है 1/2, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है। तो ये जो Cl2 की जो पावर 1/2 है ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटली। तो जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया जाता है। इसके साथ में जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो रेट लॉ है वो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ मे और मे नॉट बी डिपेंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट दे रखा है Cl3 और Cl2, यहाँ पे जो कोफिशिएंट दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसमें एक्सपेरिमेंटली इसको मेज़र किया था तो यहाँ पे जो Cl2 है इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 1/2 है। तो ये जो 1/2 आ रही है इसकी पावर, ये क्या है, आपके एक्सपेरिमेंटली मेज़र की गई है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज जैसे आपका ए प्लस बी आफ्टर रिएक्शन आपको बन रहा है प्रोडक्ट। तो इसका हम जब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखते हैं, इधर लिख देते हैं इसको, सपोज आपकी रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी, आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी आपकी के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अब देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट दे रखे हैं वो ए और बी दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो कोफिशिएंट लिखे हैं एक्स और वाई, ये आपके कैसे हैं, ये आपके एक्सपेरिमेंटली मेज़र किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली अराइव किया गया है ये। इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका जो रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मींस पावर इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रेज द पावर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो दिस लॉ डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इतना ही है कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपके रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल ए प्लस बी आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, तो रेट इज इक्वल के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा रेट इज इक्वल के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर बी सॉरी वाई। तो यहाँ पे देखो इन दोनों रिएक्शन में आपको क्या डिफरेंस आ रहा है कि आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो डिपेंड करेगा
ये आपके जो कोफिशियंट दे रखे हैं ए और बी, इनके ऊपर इनकी सेम पावर रहेगी, लेकिन लॉ रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इनकी जो पावर है, रिएक्टेंट की जो पावर है वो कोफिशियंट के इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इससे पहले हमने बताया था उसमें जो लिखा है उसके इसी के इक्वल लिखा है हमने, लेकिन यहाँ पर जो हमने डिफर किया है वो मतलब रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये डिपेंड कर भी सकता है कोफिशियंट के ऊपर और नहीं भी कर सकता है। तो ये हमारा जो रेट लॉ है वो उसकी जो कोफिशियंट की जो पावर है, सॉरी रिएक्टेंट की जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटली डेराइव की गई है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन और वे उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।